जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मिथुन राठौड़। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एनडीए के बारे में जानकारी देने वाला हूं। खासकर कर ये वीडियो मेरे जो भारत देश के यंग जनरेशन है उनके लिए खास रहेगा। आप एनडीए कैसे ज्वाइन कर सकते हो? एनडीए का एग्जाम साल में दो बार यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ये एग्जाम देने के लिए आपका एज रहना चाहिए 16 साल से लेकर 19 साल के बीच। और बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, तो आप 12वीं पास कर चुके हो किसी भी ऑथराइज बोर्ड से, या आप 12वीं में पढ़ाई कर रहे हो, वो भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो तो आप किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं पास हो, अगर आप इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में जाना चाहते हो तो आप साइंस सब्जेक्ट से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना अनिवार्य है। इसकी एग्जाम फीस रहती है 100 रुपीज। अगर मैं उन स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट में क्षमता है कुछ कर गुजरने की, तो वो स्टूडेंट बिल्कुल ही आवेदन करे। जिस स्टूडेंट का मैथ परफेक्ट है वो आवेदन करे, क्योंकि इसमें 300 अंक का मैथ रहेगा और 600 नंबर का आपका जनरल एबिलिटीज रहेगा। कुल टोटल 900 अंक का आपका एग्जाम होगा। इसके बाद आपका एसएसबी द्वारा 900 मार्क का इंट्री होगा। आप इस एग्जाम देने के लिए और इंटरव्यू देने के लिए फिजिकली और मेंटली बहुत आपको स्ट्रांग रहना है। मैं मेरे भारत देश की यंग जनरेशन को यही कहना चाहता हूँ, आप जरूर एनडीए की एग्जाम दे और एक सफलतापूर्वक एक ऑफिसर बनने का ख्वाब देखे। अगर आप इस योग्यता में सफल हो जाते हो तो आपको 3 साल की एनडीए के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला पुणे यहाँ पे स्थित है। अगर आप 3 साल की ट्रेनिंग पूरी तरह से सफल कर लेते हो तो आपको 1 साल के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून यहाँ पे आपका 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा। अगर इंडियन एयरफोर्स के लिए, जो कि इंडियन एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, वहाँ पे आपको 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा। अगर आप इंडियन नेवी के विंग में जाना चाहते हैं तो आपको विशाखापट्टनम में 1 साल के लिए भेजा जाएगा। अगर आप 1 साल और सफलतापूर्वक अपनी ट्रेनिंग कर लिए तो आप एक ऑफिसर लेवल के एक अधिकारी बन जाओगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको एनडीए के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। धन्यवाद।